This is our E90 over here, भाई. यहाँ पर भाई होता था अपनी E90 का differential जो कि अभी बाहर है. So we have welded the gears in. आप लोगों को दिख रहा होगा. Guys, this is the last time I think जो आप ये कायन को एक पीस में देख रहे हो. चल भाई उत्सव. Let's see you in action. पूरा थ्रॉटल दे दे पूरा. तो भाई हमारी बुलबुल आ चुकी है वापस. सारा काम यहाँ पर इंटरनेशनल मोटर्स पर बहुत ही बढ़िया हो गया है. इसकी सर्विस हो चुकी है. सारी इसकी लिंकेजेस हमने चेंज करवा दी हैं, बुशेस चेंज करवा दी हैं, माउंटिंग्स चेंज करवा दी हैं, इंजन माउंटिंग वगैरह सब कुछ नया गाड़ी में डाल दिया है. एंड नाउ लेट्स ड्राइव दिस बीस्ट एंड चेक आउट की भाई अब ये सर्विस के बाद कैसा परफॉर्म कर रही है. The next day. चलो जी हम आ चुके हैं GT ट्यूनर्स अपनी बुलबुल के पास और ये खड़ी हमारी गैंगस्टर एंडेवर. भाई क्या टैंक लग रही है. और ये हमारी भाई LS स्वॉप खड़ी है E90. इन फ्यूचर उत्सव हमने भी LS स्वॉप करनी है अपनी E90. एंड हियर इज आवर बिलवड लडवाल भाई. अरे रख दो फोन भाई, कितने पैसे कमाओगे, बस करो. किस चीज की गाड़ी की? अरे वाह दप्पा मोहित भैया दप्पा. अब सीन क्या हुआ भाई, लडवाल भाई ने और मैंने दोनों ने डिफेंडर एक ही दिन एक ही साथ बुक करवाई थी. एंड हमने ये डिसाइड किया था कि भाई देखो 10-15 दिन के गैप में जिसकी भी आई डिलीवरी दोनों भाई साथ ही लेंगे. बट अब हुआ क्या है कि एक महीने का गैप आ रहा है. कब आ रही है गाड़ी? फर्स्ट सेकंड वीक में. तो एक महीने का डिले आ रहा है पूरा. क्या करना है, रुक जाओ एक महीना. नहीं क्यों रुकना है भाई, ऐसा चलो मेरी वाली पे सारी एक्सपेरिमेंटेशन कर लेंगे ना. क्या क्या करना है, क्या चेंजेस करने हैं. चलो आओ अंदर चले आ जाओ. चलो भाई अंदर चले. और मैं तो भाई सीरियसली अपनी डिफेंडर के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ. कल परसों में जाके मैं सारा पेपर वर्क वगैरह सब कुछ कर लूंगा एंड उसके बाद हमारी भाई जाने मन नई घर आ जाएगी. उत्सव आर यू एक्साइटेड? सो मच टीम का क्यार, आर यू एक्साइटेड? इफ यू आर कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना. आओ अब चले अपनी बीमर चेक करें. So guys, I'm at GT Tuners right now. Akshay bhaiya, say hello. Hi. Arpit, boy with the BRS, say hello. And this is our E90 over here, bhai. So yahan par maine gaadi drop kari thi Akshay bhaiya ke paas to get the differential welded. Abhi differential, I think it's out of the car. Is it out of the car? Kya update hai abhi? Humne weld kar diya differential. यार टीम टकियार को दिखाना था कि डिफरेंशियल वेल्ड कैसे करते हैं. गरम अभी बहुत गरम है. आई वाज स्टक विद वर्क. सॉरी यार सबको मत बताओ मेरी पंक्चुअलिटी के बारे में. थोड़ा सा लेट हो गया था गाइस. थोड़ा सा यार काम धंधा भी जरूरी है. बट यहाँ पर भाई होता था अपनी E90 का डिफरेंशियल जो कि अभी बाहर है. अर्पित कहाँ पर है? वो साथ वाली वर्कशॉप में, सबसे लास्ट वाली में. तो अभी वो डिफरेंशियल वेल्ड हुआ है तो अभी बहुत गर्म है. थोड़ी देर में निकालते हैं भाई, दिखाते हैं टीम टकियार को एंड फिर भाई आप लोगों को बताएंगे कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू वेल्ड योर डिफरेंशियल व्हेन यू आर बिल्डिंग अ ड्रिफ्ट कार. यू कैन आल्सो पुट एन LSD बट डिफरेंशियल को वेल्ड कर देना इज अ मच चीपर ऑप्शन. एंड चीपर के साथ साथ भाई वो LSD आने में टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोक्योर हियर इन इंडिया. सो वी एंडेड अप वेल्डिंग द डिफरेंशियल. एक दो डिफरेंशियल और खरीद के रख लेंगे, उसमें LSD वगैरह लगा लेंगे कल को बाद में. तो अभी के लिए भाई हमारी गाड़ी है लिफ्ट पे. इट इज नॉट फंक्शनल क्योंकि डिफरेंशियल हमारा कहीं और पड़ा. आओ भाई ठंडा होने की वेट करते हैं भाई, डिफरेंशियल ठंडा होता है. फिर लेट्स चेक इट आउट. व्हाट्सअप गगनबाजी से हाई टू द कैमरा. और भाई इधर एक बहुत ही अमेजिंग जीप ग्रैंड चेरकी खड़ी है. एंड गाइस डोंट बी फूल्ड, दिस इज नॉट अ नॉर्मल ग्रैंड चेरकी, दिस इज एन SRT एंड इट प्रोड्यूसेस मैसिव पावर गाइस सीरियसली. और उसके बाहर पड़े हैं हमारे एंडेवर के स्टॉक रिम्स एंड टायर्स जो कि भाई हमारी अभी लगाई है गैंगस्टर एंडेवर में वापस. आई नो आप लोग बोलोगे भाई वापस ये क्यों लगा रहे हो, बट टेम्पररी लगाएंगे ताकि हम गाड़ी को यहाँ डायनो पर टेस्ट कर ले एंड अपने बिग टर्बो एंड बिग इंटरकूलर के हिसाब से उस गाड़ी को ट्यून कर दें. तो ये टेम्पररी लग जाएंगे हमारी गाड़ी पे. आओ भाई उत्सव जी, लेट्स वेट फॉर द डिफरेंशियल टू कूल डाउन एंड तब आप लोगों को दिखाते हैं. एंड थोड़े बहुत हमने अभी ड्रिफ्ट पार्ट्स ऑर्डर करने हैं अपनी E90 के लिए, तो वो सारे पार्ट्स का ऑर्डर भी अभी हम प्लेस कर देंगे. भाई गर्मी है बहुत ही भयंकर, आप लोग मेरी हालत देख ही सकते हो, बिल्कुल पसीना पसीना हो रखा है. बट भाई अपनी टीम टकियार के लिए हम सारी ये बिल्ड डॉक्यूमेंट करेंगे, चाहे जितनी भी गर्मी हो जितनी भी मेहनत लगे. बट आप लोग भी भाई फिर हमारी मेहनत को सपोर्ट करो, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करो, ज्यादा ज्यादा शेयर करो एंड अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकॉन जरूर दबा दो ताकि आप ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज मिस ना करो. चेंज करवाते हैं, बबल आते हैं, वो तो भैया फोन चार्जिंग पे लगाओ गर्म होएगा चले जाएगा. ठीक है वही बात करी इसने डिफरेंशियल. भैया गाड़ी चलाओ घिस घिस के ठीक हो जाएगा. एक काम कर अर्पित, पैसे नहीं बचाओ, इसके अंदर ऑयल डाल दो, पंप के अंदर बिना गैसकेट लगाए 50 बार घुमा दो और वो ऑयल ठीक हो जाएगा. भाई ऐसे ही अंदर घिस घिस के निकलवा दो वो भाई. अरे क्या हो गया, मैं क्यों दो दो बार ऑयल डालूं? सॉल्यूशन दे रहा हूं भाई, मैं दो दो बार ऑयल क्यों डालूं डिफ में? ज्यादा महंगा तो ये 5,000 का तेल बेचोगा? 5,000 का तेल लगता है डिफ का? आए मेरा बच्चा ये कैमरा. व्हाट्सअप माय वेल्डेड डिफ भाई, स्लाइड्स कमिंग सून. यू आर इन द व्लॉग, से हाय. हाय से हाय एवरीबॉडी, दिस इज दलाल ड्रिफ्टर दलाल.
किलोमीटर ओनली साइडवेज इन 5 सीरीज तो भाई दलाल की गाड़ी 1,00,000 किलोमीटर चली है ना, तो 90,000 तो साइडवेज चली है ड्रिफ्ट करते हुए। भाई हमारा ड्रिफ्ट इतना ज्यादा वेल्ड कर दिया कि जैम ही हो गया यहाँ पर, अटक रहा है। I just want to see वहाँ पे एक स्प्लैटर गया हुआ है ना, वो स्प्लैटर ही अटक रहा होगा, उसको ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड नहीं, वो ऐसे घुमा के टूट जाएगा। अरे गाड़ी में डाले गाड़ी ला दो साफ। और फिर ऑयल में आ जाएगा ना सारा, वो स्प्लैटर ऑयल में आ जाएगा। सम ओपन बॉटल्स। You know what I'm going to say? I know. यार मेटल प्लेट क्यों नहीं लगाई? बोल्ट्स हैं भाई अंदर। हमने बोल्ट्स डाल के वेल्ड कर दिया। हाँ। अरे मैं सीधा करता हूँ। हाँ पकड़ तू। अटक कहाँ जा रहा है? Brother, one throttle of the shaft and everything. वो रहा स्प्लैटर। थोड़ा लेफ्ट घुमा, थोड़ा और घुमा। वो देखो। वो दिखा? वो छोटी सी बिंदी सी। वो स्प्लैटर चला गया, वो अटक जा रहा है। अब घुमाइयो देखना, ये अटक गया। See, I know कि वो कहाँ जाके अटक गया। ऊपर करना। वापस घुमा। ये आ गई बिंदी, वापस आ गई। ये देख। एक बार तू कर दे ना। ये तू घुमा। जोर से घुमाओ। चलो। ये तो पकड़ लो डब्बा। मैंने घुमाया, दोनों के डिफ्यूज हो गए दोनों। एक जना राइट से दबाओ, एक जना लेफ्ट से दबाओ। तुम यहाँ रखो, यहाँ से दबाओ। ग्रिप नहीं बन रही ना इस पे। चलो भाई, हमारी E90 खड़ी है वहाँ लिफ्ट पे। नहीं ये कर लो पहले, ये कर लो। हाँ दूसरी वाली जो ड्रिफ्ट कार है उसका क्या करना है भाई? भाई हमारी E90 खड़ी है लिफ्ट पे, हमारा डिफरेंशियल है हमारे हाथों में यहाँ पे। सो वी हैव वेल्डेड द गियर्स इन, आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर नहीं दिखा आपको पिछले वाले फ्रेम में, सॉरी आई एम बोरिंग योर फोन। सो एज यू कैन सी गाइस, हमने जो अंदर की सारी गियर्स हैं, सारी गरारियां थी, ये वेल्ड कर दी है। भाई बहुत ज्यादा स्प्लैटर है अंदर भी है, वो एक बार गाड़ी में लगा के ही होगा ये। तो भाई हमने सारे गियर्स वेल्ड कर दिए हैं, एंड ये हमने वेल्ड किए क्यों अभी आप लोग ये सवाल पूछ रहे होगे, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो भाई अब प्रोफेसर अश्विन सिंह टकियार आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे दैट व्हाई योर कार नीड्स अ डिफरेंशियल या फिर व्हाई योर कार हैज अ डिफरेंशियल। जरा अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है, बट इन रियलिटी इट्स वेरी सिंपल। देखो बेसिक फिजिक्स है, बेसिक साइंस है, ये एक कर्व है, ठीक है। ये भाई पेन भी विद्युत जैसा चल ही नहीं रहा, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा, सॉरी गाइस बेयर विद अस। ये एक रोड है, ठीक है, और ये आपकी गाड़ी है। ओके गाड़ी कौन सी बनाए, चलो इसके लिए रोल्स रॉयस ले लेते हैं, आर आर, ठीक है। ये आपकी रोल्स रॉयस है भाई, इसमें अब चार व्हील्स हैं, ठीक है, यहाँ पर व्हील्स हैं। अब जब आप ये कर्व लोगे अपनी गाड़ी में, यानी कि जब आप इस गाड़ी को ऐसे लेके जाओगे इस मोशन में, तो आपके जो इनसाइड व्हील्स हैं, ये दो व्हील्स, ये एक अलग डिस्टेंस कवर करेंगे। जो आपके आउटसाइड व्हील्स हैं ये अलग डिस्टेंस कवर करेंगे, ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, कम डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। और ये अलग अलग स्पीड्स पर रोटेट होंगे, ठीक है। और अगर आपकी गाड़ी में डिफरेंशियल ना हो और बस सीधा एक एक्सल हो या फिर एक सीधी हो, जिसकी वजह से आपके दोनों व्हील साथ में घूम रहे हो, तो आपका जो इनसाइड व्हील है, जिस तरफ को आप घूमोगे, अगर आप ये राइट की तरफ होते तो ये वाले इनसाइड व्हील्स हैं, लेफ्ट की तरफ में ये वाले इनसाइड व्हील्स हैं। जो भी आपका इनसाइड व्हील है वो हॉप करेगा, स्किप करेगा, उसमें टायर वेयर ज्यादा होगा आपके, और सस्पेंशन के कंपोनेंट्स पे लोड ज्यादा आएगा, बहुत सारा वेयर एंड टेयर होगा, एंड इट विल बी एन अनप्लेजेंट ड्राइविंग एक्सपीरियंस। एंड आपका टायर ऑब्वियसली टायर्स की इतना शोर मचाएंगे, स्किड करेंगे, घिसेंगे, एंड ऑब्वियसली अगर आप स्पीड में होगे तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। इसके लिए आपकी जो ये एक्सल होते हैं इसमें डिफरेंशियल्स लगाए जाते हैं, इसके अंदर अलग अलग गियर्स होते हैं विच अलाउ योर टायर्स टू रोटेट एट डिफरेंट स्पीड्स, जो लेफ्ट साइड के टायर्स और राइट साइड के टायर्स हैं। अब डिफरेंशियल की वजह से क्या होता है कि जो आपके इनसाइड व्हील्स हैं वो स्लोअर स्पीड पे रोटेट हो रहे हैं और आपके जो आउटसाइड व्हील्स हैं वो हायर स्पीड पे रोटेट हो रहे हैं थोड़े। तो ये हॉपिंग और स्किपिंग वाली और ये टायर वेयर वाली और कंपोनेंट्स पे स्ट्रेस नहीं पड़ता, ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। तो इसलिए योर कार नीड्स अ डिफरेंशियल। आप लोगों ने ऑफ रोड यूज में कई बार सुना होगा आपकी गाड़ी में डिफरेंशियल लॉकर्स हैं या नहीं है, तो डिफ लॉकर्स का भी सिंपल ये काम होता है कि अगर आपकी गाड़ी किसी ऐसे ऑफ रोड ट्रैक पर है, किसी ऑब्स्टिकल पे है जिसमें आपका एक व्हील ग्राउंड पर है, दूसरा व्हील हवा में है और उसको ट्रैक्शन नहीं मिल रहा, तो आप डिफ लॉकर्स ऑन कर लो एंड दोनों व्हील साथ में घूमने लग जाएंगे, तो आपका जो व्हील है इसको ट्रैक्शन भी मिल जाएगा, आपकी गाड़ी भी निकल जाएगी। बट ऑब्वियसली कहा जाता है ऑफ रोड यूज में भी कि डिफ लॉकर्स ऑफ कर देने चाहिए ऑब्स्टिकल करने के बाद, उनको रोड वगैरह पे यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका डिफ टूटने का खतरा रहता है। तो इस वजह से डिफ होता है गाड़ी में, ये पहला बेसिक क्लियर हो गया अपने को, ठीक है गाइस। अब आप लोग पूछोगे ठीक है भैया डिफ है तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अपनी गाड़ी का,
आपने इसको वेल्ड करके अटका क्यों दिया? एक तरीके से हमने जो वेल्ड करा है, हमने ये डिफ हटा ही दिया यहाँ से, अब हमारे दोनों टायर्स एक ही स्पीड पे घूमेंगे। अब ये किया जाता है ड्रिफ्ट कार्स में, इट इज अ वेरी ओल्ड टेक्निक। इसके अलावा और भी कई ऑप्शंस है, यू कैन पुट एन LSD लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल इन योर कार, ठीक है, यू कैन यूज लॉकर्स। ड्रिफ्टिंग में कोई भी लॉकर्स यूज नहीं करता, LSD बहुत लोग डालते हैं, बट LSD के साथ दो प्रॉब्लम्स है, इट इज सुपर एक्सपेंसिव, मतलब कि 2-2 लाख रुपए के लिए LSD आते हैं E90 के लिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, आप उसको ऑर्डर करो एंड इतने टाइम में वो पार्ट आएगा, फिर उसको लगाओ, सब बहुत हैसल है, महीनों महीने लग जाते हैं कस्टम्स क्लियरेंस में, महीनों महीने लग जाते हैं शिपिंग में, तो हमें वेट नहीं करना था, हमारा इवेंट आ रहा है, हमें गाड़ी चाहिए थी अपनी जल्दी से ड्रिफ्ट प्रेप, तो हेंस द वेल्डेड डिफरेंशियल। अब वेल्डेड डिफरेंशियल के साथ क्या होगा कि ये दोनों जो हमारे व्हील्स हैं, जो रियर व्हील्स हैं इनसाइड एंड आउटसाइड, ये सेम स्पीड पे रोटेट करेंगे, थोड़े से फास्ट कॉर्नर में या फिर कॉर्नर लेते हो हल्की सी हार्ड एक्सेलरेशन में, ये गाड़ी जो हमारी स्लाइड करने लगेगी, बैलेंस लूज करेगी, एंड ड्रिफ्टिंग इज ऑल अबाउट दिस ओनली स्लाइडिंग, तो हम अपनी गाड़ी को पर्पसली स्लाइड कराएंगे एंड उसको काउंटर स्टीयर करके अपनी ड्रिफ्ट कंट्रोल करेंगे कॉर्नर्स पे। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है एक डिफरेंशियल का आपकी गाड़ी के लिए, एंड बेसिकली सारे ड्रिफ्टर्स की गाड़ी में वेल्डेड डिफ इसलिए होता है। बट माइंड यू, अगर आप लोग अपनी गाड़ी को डेली यूज करते हो एंड इफ इट्स योर वीकेंड ड्रिफ्टर, तो आप डिफ वेल्ड मतलब बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि ये गाड़ी रोड पे बहुत स्लो स्पीड्स में या फिर इंटेंस टर्न्स में बहुत मतलब अनप्लेजेंट हो जाएगी चलाने में, शोर मचाएगी, टायर स्क्रीच करेंगे एंड कंपोनेंट्स पे बाकी पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई इफ यू ड्राइव योर ड्रिफ्ट कार डेली, देन डोंट वेल्ड योर डिफ। हमारी गाड़ी सीधा क्रेन पे चढ़ेगी, जो हमारी E90 है, ट्रैक पे क्रेन से उतरेगी, ट्रैक पे इसको ड्रिफ्ट करेंगे, यूज करेंगे जो हमने जिस पर्पज के लिए इसको बिल्ड कर रहे हैं, और उसके बाद ट्रेलर में वापस चढ़ के वापस आ जाएगी हमारे गैराज में, हमारे घर पे, तो हम इसको ऑन रोड यूज नहीं करेंगे। तो बेसिकली डिफ वेल्ड के बाद इट इज वेरी अनप्लेजेंट टू यूज योर कार ऑन द रोड, तो ये चीज का बहुत ध्यान रखना। ऐसा मत करना कि वीडियो देख के एकदम अपनी डेली को या फिर जो आपकी नॉर्मल आप एवरीडे यूज की कार है उसको आप डिफ वेल्ड कर दो, ये सोच के मैं ड्रिफ्ट करूंगा, आपकी गाड़ी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, एंड यू विल नीड अ न्यू डिफरेंशियल टू रिप्लेस दैट, बिकॉज वंस यू वेल्ड योर डिफ तो उसके बाद तो भाई नया डिफ ही आपको लगाना पड़ेगा। तो यही चीज है, डोंट वेल्ड योर डिफ इफ यू डेली योर ड्रिफ्ट कार, बट हमारी ट्रैक यूज ओनली है, तो हमने इसको वेल्ड कर दिया। एंड नाउ इट्स टाइम टू पुट बैक दिस डिफरेंशियल, इसको असेंबल कर लेंगे, इसमें एक बार ऑयल डाल देंगे, एक बार इसको रन कर लेंगे गाड़ी में लगा के, थोड़ा सा स्टार्ट नहीं करेंगे ऑब्वियसली, पुराना ऑयल डाल देंगे इसमें एंड इसको एक बार यूज कर लेंगे गाड़ी आगे पीछे करके, ताकि इसमें जो सारी वेल्ड करने से मेटल ये शेविंग्स गिर जाती है ना, सारी ये स्प्लैटर गिर जाता है, ये सारा घिस घिसा के निकल जाएगा। उसके बाद हम पुराने ऑयल को वापस ड्रेन कर देंगे, इसमें फ्रेश डिफरेंशियल ऑयल डालेंगे, इसको वापस असेंबल करेंगे, गैस्केट वगैरह लगा देंगे, इसको दोबारा गाड़ी में लगा देंगे, एंड उसके बाद भाई अपनी E90 से करेंगे क्रेजी स्लाइड्स एंड क्रेजी ड्रिफ्टिंग। आई सो विश ये डिफ वेल्ड होने से पहले मैं इसको कवर कर पाता, मैं आपको दिखाना चाहता था बिफोर आफ्टर, बट मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगा दूंगा कि वेल्डेड डिफ अगर नहीं होता, जो नॉर्मल डिफरेंशियल कंपनी से कैसा आता है वो कैसा होता है, और हमने कैसे इसको वेल्ड करके सारे यहाँ पर गियर्स को बंद करा एंड इसको लॉक कर दिया, तो ये एक बिफोर आफ्टर मैं बढ़िया सा यहाँ पर लगा दूंगा, बिफोर की पिक्चर एंड आफ्टर की तो आप अपने सामने देख ही सकते हो। अब इससे क्या होगा, ये जब वेल्ड हो गया, ये सारा बंद हो गया, सो इट विल रोटेट एज वन बॉडी पर, घुमाइए उत्सव इसको थोड़ा सा। आई विश हम पहले आ गया, उत्सव इतना लेट करा दिया, पहले आए होते ना अगर हम, तो हम पहले दिखा सकते कि फ्री में कैसा घूम, जब ये डिफ वेल्डेड नहीं था तब ये कैसे घूम रहा था। अगर ये डिफ वेल्डेड नहीं होता तो इसकी ये वाली गियर्स जो यहाँ है एंड जो अंदर यहाँ गियर्स हैं, ये दोनों अलग अलग घूम रही होती। अब घुमाइयो भाई, अब देखो ये पूरा एक साथ घूम रहा है, तो अब क्या होगा कि इस साइड से जो एक्सल जाएगा इस साइड का व्हील एंड इस साइड से जो एक्सल जाएगा इस साइड का व्हील, अब दोनों एक ही स्पीड पर घूमेंगे एंड भाई हमें स्लाइड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। घुमाइयो भाई उस समय पर, तो लेट हो गया, मैंने सारे एक्सप्लेन भी कर दिया भाई, आप यू मैकेनिकल इंजीनियर, यस थोड़ा सटल फ्लेक्स हम कई बार कर लेते हैं। तो भाई ये वो कंपोनेंट जिसको उत्सव घुमा रहा था, यहाँ पर लगती है अपनी ड्राइव शाफ्ट एंड जो कि इंजन क्या करता है, ट्रांसमिशन के गियर्स को घुमाता है जब भी आप उसमें इनपुट देते हो यानी कि एक्सेलरेट करते हो, एंड फिर ट्रांसमिशन एक ड्राइव शाफ्ट आती है बड़ी सी, रोड में ट्रक्स वगैरह में कई बार हाईवेज पर देखी होगी, वो घूमती हुई साइड में दिखती है, वो इधर लगती है एंड वो बेसिकली आपकी डिफरेंशियल घुमाती है ड्राइव शाफ्ट। तो अब जब हमारा डिफरेंशियल घूमेगा तो हमारे दोनों व्हील्स एक ही स्पीड पे स्पिन करेंगे एंड विच मींस क्रेजी स्लाइड्स ऑन द ट्रैक। अभी एक चमत्कार हो गया है, विदित ने दे दिया अपनी खाहिन की चाबी उत्सव को आगे करने के लिए। बचपन में तेरे भाई भी तेरे को दिए तभी तू आज चला पा रहा है, भरोसा करना पड़ता है, ऐसे ही बोल रहा हूँ यार, बहुत अच्छा चलाता है हमारा, अच्छी गाड़ी चलाता है, देखो डरा रहा हूँ, आसान गाड़ी है, तेरी ड्रिफ्टर तेरी मॉन्स्टर सारी यही गाड़ी है, तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई प्लीज मत ठोकियो, मेरी गाड़ी में कुछ गड़बड़ कर देगा। अच्छा सुन, मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं जा रहा हूँ अभी, ठीक है, इसको भाई ऑयल एक बार डाल के रात भर एसी में रहने देंगे बेचारे को, तबीयत खराब ना हो, कोई मेरी बात तो सुन ले, करना क्या है, ऑयल डाल के एक बार घुमवा लियो ताकि स्प्लैटर निकल जाए सारा, उसके बाद ऑयल डाल के मतलब बंद करके बेसिकली
गाड़ी में फिट कर दियो। मैं अगर तू जिस टाइम पे बोलेगा उस टाइम पे आएगा। आ जाऊंगा भाई, आ जाऊंगा। तेरे में 100 गुण है। एक तो चीज है वो ये है कि तू भाई पंक्चुअल, भाई प्लीज व्यूअर्स इसको समझाओ। गाइस बहुत सारा काम रहता है यार, देखो का मतलब क्या वो बात नहीं है। आई हैव अ लॉट ऑन माय प्लेट राइट नाउ, बहुत सारे काम है, बहुत सारे वेंचर्स है, इधर उधर इतना दिमाग लगा होता है कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा। भाई जो गाड़ियों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ मैं वही बहुत है, नहीं तो गाड़ियों के लिए भी टाइम नहीं निकल पा रहा था। तू ये कल मैं आऊंगा, डिफ लगा मिलेगा गाड़ी में? बिल्कुल भाई, गाड़ी आपको बीआईसी में मिलेगी, सीधा ड्रिफ्ट करने के लिए। बस ठीक है, सीधा बीआईसी पहुंचूं फिर? 2 बजे बीआईसी पहुंचाओ, रेडी मिलेगी आपको भाई। बट प्लीज कल दोपहर तक गाड़ी में डिफरेंशियल लगवा दियो, ऑयल वगैरह डलवा के बिल्कुल पैक करवा के गाड़ी में लगवा दियो। या आई एम आई वोंट से टाइम टुडे, नहीं नहीं मान। सो दैट व्हेनेवर यू पुट दिस व्लॉग एंड यू कम टुमारो एंड यू शूट अगेन, आई वांट पीपल टू सी। बता दे व्यूअर्स भाई, एक टाइम बोलूंगा मैं, 5 बजे आ जाऊंगा शाम को, ठीक है? चलो भाई चलो, कल लगवा दियो यार, मैं आ जाऊंगा 4-5 बजे के बीच में आ जाऊंगा, ऑफिस से निकल के सीधा यहाँ। बाय बेबी, चलो गुड नाइट, आई लव यू, टेक केयर, लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी हैप्पी स्लाइड्स विद यू। तो उत्सव विद्युत की कायन में बैठते हुए, गाइस दिस इज द लास्ट टाइम आई थिंक जो आप ये कायन को एक पीस में देख रहे हो और विद्युत को इतना शांत देख रहे हो। एक और बार कर, होल्ड कर। चल क्या बात है यार, एग्जॉस्ट नोट तो बहुत अच्छा है इसका। गाड़ी गर्म है भाई, अभी इंजन साउंड सुनाएंगे, अभी गाड़ी थोड़ी ठंडी अभी कर ले। चल भाई उत्सव, लेट्स सी यू इन एक्शन। यार ये व्हील का डिजाइन मुझे इतना सुंदर लगता है ना, बहुत प्यारा लगता है ये। पूरा थ्रॉटल दे दे पूरा। ये अरे मजे, इतनी कंसंट्रेशन से तो मैंने कभी उत्सव को एडिटिंग करते हुए भी नहीं देखा। एंड गाइस माइंड यू, दिस इज नॉट अ नॉर्मल कायन, इट इज अ कायन GTS, सो इट्स वेरी पावरफुल, इट हैज अ V8 एंड एग्जॉस्ट नोट तो भी हम आप लोगों को सुनाई देंगे। ये कुछ भी हो सकता है। यार इसका स्टॉक एग्जॉस्ट है, इसी में क्या ग्राउल और क्या बर्बल आ रही थी, बढ़िया। क्या ग्राउल है यार, क्रेजी मैन। भाई आई एम सो जेलस राइट नाउ, ये गाड़ी मुझे मिली होती ना, ये डील मैंने उठा ली होती यार। गाइस सच बता रहा हूँ, ही बोट इट फॉर द प्राइस ऑफ अ जिमनी एंड दिस इज सो मच कार फॉर दैट प्राइस। कितने किलोमीटर चली थी? 40 is nothing for this यार। 40 by 800। Already, भाई देख लो, पहला लंगड़ा है जो ये गाड़ी चलाता है पूरी प्रॉपर। And documenting the process। उत्सव मजा आया, कैसी थी ड्राइव? इतनी सी दिया, बोल विद्युत भैया चाह भी दो मेरे को, लेके जान दो गर्लफ्रेंड के साथ इसको एक बार। हाँ ठीक है, डन डन डन, नो प्रॉब्लम। चल ओके बाय ब्रो। भाई आप लोगों को क्या लगा, हम GT टूर जाएंगे और अपनी एंडेवर के दर्शन नहीं कराएंगे हमारे भाइयों को? भाई ये रही हमारी गैंगस्टर एंडेवर, आगे थोड़ा सा काम इसमें है, थोड़ा सा टाइम हो रहा है, बट बहुत ही जल्दी वीडियोस में ये वापस आ जाएगी। एंड इसके साथ इतनी सारी चीजें, इतनी सारी क्रेजी और वीडियोस प्लान करे हुए हैं, और भी बहुत ज्यादा क्रेजी मॉडिफिकेशंस प्लान करी हुई है। एंड जो हमारे नए व्यूअर्स है जिन्हें नहीं पता व्हाई इज दिस एंडेवर ओवर हियर, भाई इसमें लगा रहे हैं हम अ बिगर टर्बो देन स्टॉक एंड अ बिगर इंटरकूलर एंड देन वी आर रीमैपिंग इट टू स्टेज 2 स्टेज 3। लेट्स सी व्हिच ट्यून आर वी गोइंग टू डू। बहुत ही क्रेजी बिल्ड होने वाला है, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। बट बहुत दिन बाद देख के उत्सव इतना अच्छा लग रहा है ना इस गाड़ी को, भाई ये देखो क्रेजी लग रही है यार। आज भी एंट्री करते ही बंदा देख के डर जाता होगा, ये क्या है, एंट्री करते ही देख के सेल बढ़ जाती होगी। ये गाड़ी कैसी बना रखी है।